खबर शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कमलागंज से है। आपको बता दें कि कमलागंज में रहने वाले माता पिता ने अपनी पुत्री वापसी के लिए कोतवाली में गुहार लगाई और कहा कि षड्यंत्र पूर्वक बेटी के ससुराल वालों ने उसे गायब कर दिया। जानकारी के अनुसार कल्लू जाटव पुत्र लच्छी राम जाटव निवासी कमलागंज ने कोतवाली में आवेदन देकर बताया कि उसकी बेटी की शादी 3 माह पहले अंकुश ठाकुर पुत्र स्वर्गीय मोहन सिंह निवासी बरेली सराय उत्तर प्रदेश के साथ हुई थी। उस कुछ समय तक तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद ससुराली जन बेटी को प्रताड़ित करने लगे और उसकी तबीयत भी खराब हो गई, तो ठीक से इलाज भी नहीं करा रहे थे, जिसके बाद उसके पिता उसको वापस शिवपुरी मायके ले गए और उसका इलाज कराया। इसके बाद पुत्री ठीक हो गई। उसके बाद पिता ने बेटी को वापस ससुराल भेज दिया, लेकिन फिर से ससुराल जने प्रताड़ना करने लगे। पिता ने बताया कि आज सुबह 4 बजे उनके पास दामाद का फ़ोन आया कि बेटी कहीं लापता हो गई है। उन्होंने खाली अलमारी का भी फोटो भेजा। पिता ने लगाया षड्यंत्र पूर्वक बेटी को गायब करने के आरोप। पिता ने बताया कि उसकी बेटी को षड्यंत्र पूर्वक गायब कर दिया गया और वह लगातार बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। 3 माह पहले ही बेटी की शादी हुई थी और ससुराल जनों ने षड्यंत्र पूर्वक बेटी को गायब कर दिया और पिता ने बेटी की वापसी की कोतवाली में गुहार लगाई। क्या नाम है दादा आपका? कल्लू जाना। कहाँ रहते हो? कमलागंज पुल के पास। क्या समस्या लेके आए थे आज कोतवाली में? लड़की की। क्या कैसे क्या हो चली गई? वो वहाँ से दामाद का फोन आया कि तुम्हारी बच्ची घर पे नहीं। कब चली गई थी? आज शाम को 4 बजे का फोन आया। सुबेरे 4 बजे। कहाँ पे शादी की थी आपने? संभल। संभल कहाँ पड़ता है? मुरादाबाद के पास। मुरादाबाद दिल्ली के पास में ही है। तो शादी कैसे की थी आपने? वो हमारे दामाद हैंगे ना, उनने करवाई थी। उनने कितने महीने पहले शादी हुई थी? 3 महीने ही हुए। फिर क्या समस्या आई? लड़की को परेशान करते थे, टॉर्चर मोचर। किस बात को लेके? अब पता होगा किस बात को, लेकिन बच्ची ने आज तक बताया नहीं। माँ को तो बताया होगा कि मम्मी मेरे को दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, ऐसे परेशान कर रहे हैं किसी और। एक बार लेके आया तो वो बता रही थी कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी बस। फिर हमने राजी करके नहीं जैसे तैसे भेज दिया। दामाद आया कि चलो गलती हो गई हमसे, अब दिक्कत नहीं आएगी। क्या गलती हुई थी कुछ तो? अब ऐसे ही डांस से धोसे होंगे या कुछ दहेज महेज का कहते होंगे। गोली लगा था लड़की की।